जिंदगी का असली मजा तो ट्रैवलिंग करने में ही आता है। ऐसा कहते हैं कि आप खुशी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप एक हवाई जहाज का टिकट खरीद लें तो वो खुशी खरीदने के बराबर ही है। ऐसा ही मैंने किया और अमृतसर की ट्रिप लगाई। एक ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ जिसमें मैंने अमृतसर को घूमा, क्या क्या मैंने महसूस किया, क्या क्या देखा, इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। सबसे पहले मैं अपने घर से निकला और यहाँ से मेरा फ्लाइट था सूरत टू जयपुर, ठीक है, वहाँ मेरा घर है। सो फाइनली पहले मैं घर जाऊँगा, उसके बाद मैं अपने मोम एंड डैड के साथ ट्रैवल करूँगा अमृतसर के लिए। सो यहाँ से मैंने ऊबर बुक किया और ऊबर बुक करने के साथ ही मैं यहाँ से निकला सूरत एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ फाइनली एयरपोर्ट पहुँचा और एयरपोर्ट में अंदर इतना यू नो ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर तक में जितना मैं यहाँ पर ब्लॉग कर पाया उतना मैंने किया यहाँ से, और सामान लिया अपना और अंदर गया। सबसे पहले सिक्योरिटी चेकिंग होती है, आपको 2 घंटे पहले लॉगिन करना होता है। उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग के बाद 2 घंटे बाद जब फ्लाइट का टाइमिंग होता है तो मोस्ट सुपर्ब है यहाँ पर टाइमिंग, ऐसा नहीं है कि डिले कुछ भी होगा। और 2 घंटे बाद जो आपकी फ़्लाइट का टाइमिंग है उसी में आपको चेक इन करना होता है। और फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये देखिए ये कैबिन क्रू जो है वो यहाँ पर बैठता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग, मेरा फर्स्ट ट्रैवल है ये और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो मैं यहाँ पर अपनी सीट ढूंढ रहा हूँ, देखें। सो फाइनली ये मेरा सीट है, विंडो सीट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था और फाइनली मैं विंडो सीट पे बैठ गया। सो गाइज अब हम चलते हैं, फाइनली फ्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं क्रू की तरफ से, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया यहाँ पे। उसने रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया बट फिर भी मैंने कैमरा चालू ही रखा। और अब हम उड़ने जा रहे हैं गाइस, धीरे 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 प्लेन जो है वो टेक ऑफ करेगा और हम उड़ चलेंगे जयपुर की तरफ। सबसे पहले जो प्लेन होता है, यू नो इनिशियली जो प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो बहुत ज़्यादा यू नो मज़ा आता है। एक्चुअली टेक ऑफ और फाइनली जब लैंडिंग होती है तब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पर मज़ा लेते हो आप एरोप्लेन का, अदरवाइज तो जैसे ऊपर पहुँच जाते हो तो एकदम स्टडी हो जाता है। इनिशियली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है शुरू के 10 मिनट 15 मिनट तक तो, ठीक है। और हम धीरे धीरे देखिए ज़मीन छोड़ रहे हैं और आसमान की तरफ उड़ रहे हैं। फाइनली गाइस हम लोग हवा में हैं। ओ माय गॉड अब मैं आ गया हूँ ऊपर, बादलों से भी ऊपर। और अब उसके बाद तो मालूम नहीं पड़ता है, उसके बाद इतना स्टडी हो जाता है और बहुत ही आराम से जो प्लेन है वो एकदम स्टडी हो जाता है, उसके बाद मालूम नहीं पड़ता है। फिर धीरे 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 करके एंडिंग पॉइंट आया है और फाइनली जयपुर की ज़मीन हमें दिखने लगी है और मैं लैंड कर रहा हूँ जयपुर की तरफ धीरे धीरे करके। और ये देखिए हम लोग पिंक सिटी पहुँच चुके हैं और लैंड कर लिया है मैंने, और अब हम जाएंगे यहाँ से अपने घर और अपने घर से अमृतसर की तरफ, और इस तरह से फाइनली अमृतसर को मूव कर जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग टाइम था मेरा और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और ये किसी सपने में सच होने जैसा था। अमृतसर जाना था मुझे और बाई फ्लाइट गया और वो मेरे लिए एक सोने पे सुहागा जैसी बात थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फाइनली हम लोग लैंड कर लिए हैं और इन्होंने हमें बस दिया इंडिगो की, मेरी प्लेन था ये, ट्रैवल मैंने इंडिगो से किया था, उसके बाद बस से हमें पहुँचाया गया। और फाइनली एयरपोर्ट से हम लोग थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे और अमृतसर की तरफ मूव करेंगे। फाइनली घर से मॉम डैड को लिया, अमृतसर की तरफ मूव किए। ये है अमृतसर का मेन गेट। यहाँ से हम लोग अमृतसर के अंदर एंटर करते हैं। बीच में से बहुत बहुत सारा रास्ता हमने तय किया यहाँ पर पहुँचने के लिए, लेकिन फाइनली हम लोग अमृतसर पहुँच गए। तो यहाँ से मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और अमृतसर बहुत ही फेमस जगह पे जगह है और सब लोग जानते ही हैं पंजाब में गोल्डन टेंपल अमृतसर, ठीक है, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है पंजाबियों में, सिखों में, मैं खुद भी एक पंजाबी हूँ, तो ये हमारे लिए किसी यू नो एक रिलीजियस प्लेस से कम नहीं है गाइस। बहुत लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और मैं आपको अब घुमाता हूँ। यहाँ पर अमृतसर के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ पर जलियांवाला बाग पहले आएगा, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रीट है उसमें देखिए किस तरह से ये लोग कितना एंजॉय करते हैं। यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं जो कि पंजाबी ट्रेडिशन को देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग उस स्ट्रीट से आगे बढ़ते हुए सामने ही आपको दिख रहा होगा एक स्टैचू है वाइट, वो जलियांवाला बाग ही है।
सो फाइनली गाइस, हम लोग जलियांवाला बाग ये लीजिए पहुंच गए। ये एक स्टैचू जो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये वही है जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी निहत्तों पर। चलिए मैं आपको जलियांवाला बाग घुमाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है। ये जलियांवाला बाग का मेन गेट है और अब हम चलते हैं अंदर, धीरे धीरे अंदर मूव करते हैं। सो ये स्पेस है यहाँ पर, उसके बाद ये अमर ज्योति है और इसके दर्शन करने के बाद मैं आपको अब दिखाऊंगा अलग अलग जगहें जलियांवाला बाग के अंदर। सो अमर ज्योति के हमने दर्शन किए और अमर ज्योति में दर्शन के बाद ये वो प्लेस था जहां से गोलियां चलाना शुरू किए थे। यहां पर लिखा भी है पीपल वर फायर्ड एट दिस प्लेस, ठीक है, यहां से गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर ऐसे ऐसे स्मारक बनाए हुए हैं, एक पार्क है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। अभी तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, जहाँ पर गोलियाँ चली थी उनके निशान बहुत कम है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है छोटा सा ग्लिम्प, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है, वाइट वाइट जो डब्बे बने हुए हैं, वहाँ पर गोलियों के निशान के ही वो डब्बे हैं एक्चुअल में। यहाँ पर एक प्लेट लगा है, बुलेट मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका जो ये जो गोलियाँ चली थी उनके यहाँ पर निशान मिलेंगे। इसके अलावा ये कुआं है जहाँ पर अपने अपने आप को बचाने के लिए लोग कूद गए थे। अभी तो उसको बंद कर दिया, लेकिन उसको ऐसे लोग देखते हैं। यहाँ पर एक विंडो है, चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। फाइनली ये देखिए, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लोग पिक्स ले रहे हैं इसकी भी, लेकिन ये बंद कर दिया गया है नीचे से, देखिए। यहाँ पर अपने को बचाने के लिए लोग कूद गए थे, लेकिन बस क्या करते, वही हुआ, ठीक है, जो होना था, बट एक हिस्ट्री है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर उद्धम सिंह जी की अस्थियाँ भी रखी गई हैं। यहाँ पर हिस्टोरिकली समझाया गया है और काफ़ी अच्छा प्लेस है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप ज़रूर घूमिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद हम धीरे धीरे करके चलेंगे बाहर, और ये है शहीद उत्तम सिंह जी की अस्थियां जो यहाँ पर रखी गई हैं, जो आप लोगों को दिख रही होंगी। यहाँ पर हम लोग घूमे, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, जलियांवाला बाग से जब हम बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पिक्स लेते हैं। फाइनली ये स्टैचू के नीचे, मुझे ऐसा लगा कि स्टैचू के हाथ में मोबाइल दिया हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, अब ये एक मार्केट है बाहर जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ पर लोग खरीदारी करते हैं, स्पेशली यहाँ पर जो पंजाबी ट्रेडिशन की जो ड्रेसेस होती हैं, पंजाबी जुतियाँ, पंजाबी कुर्ते, स्पेशली गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मार्केट है। यहाँ पर आपको फुलकारी फुलकारी दुपट्टे, फुलकारी जो ड्रेसेस होती हैं, यहाँ मैंने कुल्फी भी खाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। ये मार्केट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ से सीधे, आप जैसे ही जलियांवाला बाग से सीधे निकलेंगे तो आपको सामने ही अमृतसर दिखेगा। धीरे धीरे हम लोग अमृतसर मतलब गोल्डन टेम्पल की तरफ मूव कर गए हैं, और देखिए गोल्डन टेम्पल की जो बाउंड्री है उसमें एंटर हो चुके हैं। और अब धीरे धीरे आपको मैं अंदर लेके चलूंगा, गोल्डन टेम्पल दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। हमारा समय भी ऐसा था कि हम लोग बिल्कुल शाम होते होते पहुंचे, हल्की हल्की ठंड थी यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा नज़ारा। कहते हैं ऐसा रात में दर्शन करना मतलब आपने स्वर्ग देखा है, अमृतसर में ऐसा महसूस होता है। ये बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, यहाँ पर सबसे पहले जो भी आता है उसको यहाँ पर अपने हाथ और मुंह धोने चाहिए, धोने होते हैं, तो मैं भी धो लेता हूँ थोड़ा सा अपने हाथ और मुंह, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे। यहाँ पर अपना एक अलग कल्चर है। चलो, मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा मुंह साफ कर लिया है और फाइनली हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है, हाथ मुंह धोने के बाद। और यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि आपको सिर पे ये जो रुमाल है उसको बांधना होता है। अब उसके बाद आपके अंदर जाने से पहले भी नीचे पानी है, पाम आपको धो के ही जाने होते हैं। और फाइनली इस तरह से हम लोग अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं गाइस, और अब सीढ़ियों से जस्ट नीचे उतरते ही आपको दिखेगा गोल्डन टेम्पल। गाइस, ये गोल्डन टेम्पल तक हम लोग पहुंच गए। मैंने आपको जलियांवाला बाग दिखाया और अब गोल्डन टेम्पल की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ अंदर। बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार कल्चरल इवेंट्स होते हैं अंदर, और बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता है, यहाँ पर लोग बहुत आते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जो नए लोग यहाँ मत्था टेकते हैं, अंदर भी मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं,
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन इस व्लॉग को, अमृतसर के इस व्लॉग को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। टिल देन गाइज, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।